आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ, उसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और खासकर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। वैसा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आपस में रिएक्शन करने के बाद या दोनों को मिलाया जाए, मिलाने के बाद अगर वो रॉट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर उसको आपस में मिलाने के बाद उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस आ जाते हैं, या वॉल्यूम घट जाता है या बढ़ जाता है, या फिर अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के बाद अगर वह एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करती है, दैट कंडीशन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे, वो है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो आज का मेरा मेन टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो निकल के आता है वो आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। फ्रॉम रॉट्स लॉ बताता हूं, समझाता हूं क्या होता है। कि मान लीजिए आपने ए ए एक सॉल्वेंट है जिसको मैं हमेशा मानता हूं ए इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और बी इज ऑल्सो ए सॉल्वेंट, बी बी इज अ सॉल्वेंट, और जब आप इसको मिलाएंगे आपस में तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज द ए बी सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आप सब जानते हैं कि जब ए के अंदर होगा सिर्फ ए के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और ए ए के बीच में इंटरैक्शन फोर्स होगा, और बी में आएंगे तो बी बी इंटरैक्शन होगा, और अगर दोनों को मिला दिया तो नया इंटरैक्शन दैट इज कॉल्ड ए बी इंटरैक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझे आप कि अगर ए बी इंटरैक्शन है आपके पास, ए इंटरैक्शन है, ए बी इंटरैक्शन है, तो ये ख्याल रखना है कि ए का इंटरेक्शन ए बी का इंटरेक्शन अपना कुछ इंटरेक्शन होगा, लेकिन मिलने के बाद अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो और ए बी इंटरेक्शन वीकर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं हमेशा कि लव मैरिज, एक्चुअली क्या है कि शादी से पहले लड़का लड़की दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, बट आफ्टर मैरिज व्हाट हैपन, दोनों में झगड़े शुरू होते हैं। ये डाटा कहता है कि इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स बाद में, अक्सर कहा जाता है कि जब लव मैरिज इट इज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज एज कम्पेयर टू द अरेंज मैरिज। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, इट इज नॉट द प्रैक्टिकल कंडीशन फॉर ऑल द ट्रूथ, जैसा नहीं कोई जरूरी है सब जगह सही हो जाए, बट ए बी इंटरेक्शन अगर वीकर हो जाता है वैसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पहली बात देखा कि ए बी का इंटरेक्शन जो आपस में अलग अलग सिंगल पार्टिकल बीच का इंटरेक्शन फोर्स होगा वो बाद में जाकर वीकर हो जाता है, जब सॉल्यूशन में जाने के बाद ए बी का इंटरेक्शन फोर्स वीकर हो जाता है। बट अगर आप आते हैं इस कंडीशन में रॉट्स लॉ की बात, तो क्या पाते हैं कि जैसे पी ए इज इक्वल टू हमने पढ़ा है पी जीरो ए जाई ए, और पी बी इज इक्वल टू आपने पढ़ा है पी जीरो बी जाई बी। जाहिर सी बात जब इंटरेक्शन फोर्स आपका कमजोर हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बनना ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में पी ए की वैल्यू पी नॉट ए के रिस्पेक्ट में बढ़ जाती है, पी बी की वैल्यू पी नॉट बी के रिस्पेक्ट में बढ़ जाती है। तो सेम एज कह सकते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस एज कम्पेयर टू पी ए प्लस पी बी। तो यहां पर देखिए रॉट्स लॉ को यह फॉलो नहीं करता बल्कि वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है वेपर प्रेशर बढ़ा कैसे, जाहिर सी बात जब इंटरेक्शन फोर्स जब ज्यादा होगा या वीकर होगा यहां पे, तो पार्टिकल को बाहर निकलने में बड़ी आसानी होगी। ऐसे कंडीशन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ क्या होगा, रॉट्स लॉ का वेरिएशन ग्राफ क्या होगा, मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। आप सब जानते हैं यहां पे लेते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन, यहां लेते हैं सॉरी जाई ए इज इक्वल टू, अगर हमने वन लिया है तो जाई बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब सिर्फ ए कॉम्पोनेंट है, और यहां पे हम लेते हैं वेपर प्रेशर, यहां पे लेते हैं जाई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड जाई बी इज इक्वल टू वन। अब देखिए जाई बी इज इक्वल टू वन, जाई ए इज इक्वल टू जीरो, जाई बी इज इक्वल टू, इसका मतलब यहां सिर्फ ए कॉम्पोनेंट है, यहां पे सिर्फ बी कॉम्पोनेंट है। ए कॉम्पोनेंट एग्जैक्ट वेपर प्रेशर दैट इज कॉल्ड पी नॉट ए जो प्योर फॉर्म में होता है, और जाई बी इज इक्वल टू वन द पी बी वैल्यू इज लोअर देन दैट इज कॉल्ड पी बी, क्या बी नॉट बी कहलाता है। अगर आप रॉट्स लॉ डायग्राम ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको इस तरह से जो पहले आप पढ़ चुके हैं। बट अगर ऐसे ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो अल्टीमेटली हमने देखा कि पी ए वैल्यू इज ग्रेटर देन पी जीरो ए, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बढ़ जाएगी इस तरह से, इसका फॉर्मूला जैसे इस तरह से ऐसे बढ़ जाएगा। ये कर्व देखिए पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, देखिए बढ़ गया कर्व इसका ग्राफ, देन पी एस इज इक्वल टू इंक्रीजेस। तो इस तरह से अब यहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा, पी एस इक्वल टू मोर देन पी ए प्लस पी बी हो जाएगा यहां पे, और यहां पे वैल्यू हो जाएगी पी ए इज मोर देन पी नॉट ए जाई ए हो जाएगा, और यहां वैल्यू हो जाएगी पी बी इज मोर देन पी नॉट बी जाई बी। जैसा कि आप देख रहे हैं कर्व बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर इज इंक्रीजेस, दैट कंडीशन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन।
इसका तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट यही देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू मोर देन जीरो। पॉजिटिव का मतलब बढ़ गया, पॉजिटिव तो बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज कॉल्ड डेल्टा एच मिक्सिंग इज मोर देन जीरो, इट मीन्स पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का मतलब यहां पे कि अगर आपने सॉल्वेंट लिया 10 ml और सॉल्यूट लिया 10 ml, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 20 ml से ज्यादा 20.5 के अराउंड इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज इंटरेक्शन फोर्स कमजोर हो जाते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग इज मोर देन जीरो, जब भी ये दोनों आपस में मिलेंगे इट इज ऑलवेज इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट ये एब्जॉर्ब करेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन हमेशा इंडोथर्मिक होते हैं। जो इनको फॉलो करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब सवाल उठता है कि इसके किस तरह का इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल प्लस वॉटर, ये इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इथेनॉल के बीच में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉटर के बीच में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी इंटरैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांगर होती है। जब ये आपस में मिक्स होंगे तो अल्टीमेटली इथेनॉल वाटर से इंटरैक्ट करेगा और वाटर इथेनॉल से इंटरैक्ट करेगा, तो उसे अपने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बाद में जो सॉल्यूशन में जाने के बाद वो कमजोर हो जाता है। इसलिए यहां पे इथेनॉल और वाटर इज द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। तो आपको हमेशा एग्जाम के लिए क्या रीजन है, कैसे पॉजिटिव डेविएशन होता है, इसको समझना है। सेकंड पॉइंट, हमें इसका एग्जांपल जरूर याद रखना है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से।